2014 में जो एक नया राजनीतिक परिवर्तन हुआ, एक नई तब्दीली आई नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, एनडीए की सरकार बनी, उस वक्त हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि शायद निकल पाना, जल्दी उबर पाना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी साल भर के अंदर जगह जगह पे तमाम तरह के मूवमेंट्स, आंदोलन शुरू हुए। कुछ इस सरकार की अपने किए का नतीजा था, जैसे JNU वगैरह को लेके हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, कई और यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ सरकार ने इन्हें निशाना बनाया, वहाँ उसको लेके मूवमेंट्स की शुरुआत हुई और सरकार के खिलाफ एक लामबंदी शुरू हो रही थी। इसी तरह जब इनके काओ विजिलांते गैंग्स जो इनके गोरक्षक हैं, वो जब उस वक्त अपने जगह जगह पे एक्शन कर रहे थे, उस दौर में ऊना की जो घटना खास तौर पे हुई, जिसमें कि 4 दलित नौजवानों को बेरहमी से पीटा गया। जब तक मुसलमान पिट रहे थे तब तक शायद मामला उतना तूल नहीं पकड़ा, लेकिन जैसे ही ये हुआ वैसे ही एक बहुत बड़ा आंदोलन उसके खिलाफ बनने लगा। और हम लोगों को थोड़ा सा उम्मीद बनती दिखाई दे रही थी कि अब शायद एक नए किस्म की रियलाइनमेंट, एक नए किस्म का इक्वेशन, राजनीतिक समीकरण बनेंगे। लेकिन यूपी के इलेक्शन के बाद अचानक ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग फिर 2014 से भी कहीं उस हालत से भी कहीं और बदतर हालत में पहुंच गए हैं। तो मैं इसलिए भी दरअसल जब नदीम भाई ने तजवीज़ रखी और मैं इस बात पर राजी हुआ, मुझे ये भी था कि मैं कम से कम एक नए तरह तरह के जो हम लोगों के संवाद हैं, डायलॉग हैं, वो बनाने की ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। और हमें लग रहा है कि जो अभी तक अलग अलग अपने अपने दायरों में सीमित थे, अपने अपने दायरों में महदूद थे, उनके बीच में कुछ बातचीत शुरू हो, क्योंकि ये मसला अब सिर्फ इलेक्शन और पॉलिटिक्स तक नहीं रह गया है, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक नहीं रह गया है। जहाँ तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सवाल है, वहाँ हम लोग देख ही रहे हैं कि 2000 खास तौर से इस यूपी इलेक्शन के बाद 2014 में ही NDA और मोदी के जीतने का सीधे सीधे ताल्लुक जो है वो पिछले दौर की जो कांग्रेस और लेफ्ट और सपा टाइप की जो एक सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट सियासत थी, जिसमें कि दरअसल शायद 50-60 साल में सिवाय कुछ सिंबॉलिक चीज़ों के, और जिसे कई बार कुछ जर्नलिस्ट लोग प्रोटेक्शन रैकेट कहते हैं, उस तरह के प्रोटेक्शन रैकेट के अलावा और कुछ किया नहीं गया। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें या और तमाम रिपोर्ट्स देखें तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो चाहे 34 साल का लेफ्ट फ्रंट का रूल था और चाहे 50-60 साल थोड़े बहुत गैप के साथ कांग्रेस का रूल था, कहीं भी किसी भी वक्त पे दरअसल माइनॉरिटीज़ के लिए ठोस कोई कदम उठाए नहीं गए। वो चाहे एजुकेशन का मामला हो, वो चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, किसी भी जगह पे कोई गुंजाइश बनी नहीं। सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम पे या तो कुछ ठेकेदारों को, कहीं पे कुछ कुछ इमामों को, कहीं कहीं पे कुछ कुछ किसी किसी तरीके से एक
आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा के और माइनॉरिटीज को साथ रखने का एक वो बनता है। यही पिछले 60 साल का सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स हमारे यहाँ बन गई थी। और 2014 में एनडीए का जीतना जो है उसके पीछे जो पुराना, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, उसके पीछे की जो तारीख है, उसमें दरअसल यही बात साफ होती है कि जिसे बीजेपी आरएसएस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहना शुरू किया, दरअसल अगर उसे देखें वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स एक मायने में उनकी बात सही भी कि दरअसल कांग्रेस और उस टाइप की सपा, कांग्रेस और सपा टाइप की या लेफ्ट टाइप की जो सेक्युलर पॉलिटिक्स थी उसमें दरअसल माइनॉरिटी राइट्स के लिए या माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए कोई कदम उठाए गए ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ ऊपरी सिंबॉलिक एक्शन इधर उधर किए जाते थे और बहुत से बहुत कभी बाकी का जो है वो इलेक्शन के टाइम वोटों का हिसाब लगाया जाता था और वोटों का हिसाब लगाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो तमाम चीज़ें की जाती थी। लेकिन जो 2014 के बाद की सिचुएशन, अभी इस साल की जो यूपी इलेक्शन के बाद की जो सिचुएशन है उसमें हमें लगता है कि दरअसल अब मामला और कहीं आगे चला गया, क्योंकि कांग्रेस के बाद भी कम से कम ये उम्मीद थी और ऐसा लगता था कि शायद यूपी में जो मंडल के ज़माने से 1990 के बाद से जो एक नई किस्म की इक्वेशंस बनी हैं जिसमें बहुजन और दलित, ओबीसी और दलित जातियां जो हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ एक लामबंदी में सामने आ रही हैं और जिसकी मिसाल यूपी और बिहार में कम से कम हमें 20 साल देखने को मिली। पूरा 90s का दशक बाबरी मस्जिद के ढहाने के साल भर के अंदर बीजेपी यूपी में हारी और वो जो एक नई कोरिलेशन बन रही थी इस बार के इलेक्शन में ऐसा लगता है कि जैसे वो भी ढह गए और बहुत ही कामयाबी के साथ बीजेपी और आरएसएस ने सपा की भी और बसपा के भी सोशल बेस में यानी दलितों में भी और पिछड़ों में भी अच्छी तरह सेंध मारी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था, न सपा को इस बात का एहसास था, न मायावती और बसपा को इस बात का एहसास था कि उनका बेस जो है वो दरअसल उनके पास से खिसकता चला जा रहा है और जब आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो शुरू में जो किस्से मीडिया में कहे जा रहे थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि मोदी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये किसी तरह से मोदी के खिलाफ एक चाल चल के उसको बनाया गया, आदित्यनाथ का नाम लाया गया सामने। लेकिन कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिनके मैं, राधिका रामाशेषन जैसे, जिन लोगों ने पिछले 20-30 साल में यूपी के ऊपर बहुत पैनी नज़र रखी है, उन लोगों ने जिस तरह से इस पूरे एपिसोड को रिकंस्ट्रक्ट किया उसमें ऐसा लगता है कि ये कोई इत्तफाक नहीं था। 2013 में ही योगी आदित्यनाथ को मतलब इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से पहले ही एक मायने में अमित शाह और मोदी आइडेंटिफाई कर चुके थे और ये भी साफ था कि अगर इलेक्शन आदित्यनाथ को सामने रख के लड़ा जाएगा तो शायद एक बहुत बड़ा, हिंदुओं का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी आरएसएस को वोट न दे, तो इसलिए उस वक्त ये बात सामने नहीं रखी गई। लेकिन जब ये बात सामने आई और लोगों को ये लगा कि ये शायद अचानक कोई नई चीज़ सामने आ रही है जिसके बारे में मोदी तैयार नहीं थे, तो राधिका रामाशेषन के इस रिकंस्ट्रक्शन के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दरअसल हम लोग अभी पूरी तरह से
उस गहराई को नाप नहीं पा रहे हैं जिसमें हिंदुत्व की सियासत चल रही है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग नए सिरे से कुछ चीज़ों पर सोचना शुरू करें। दरअसल और यही, चूंकि मसला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, यहाँ पे मेरा मानना यह है, मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल 2014 में मोदी का जीतना ये सिर्फ मोदी और बीजेपी के बस की बात नहीं थी। हम लोग अगर इसे सिर्फ हिंदुत्व का खेल मान के चलेंगे, जो अब ये हो गया है, लेकिन अगर ये सिर्फ मान के चलेंगे तो शायद हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। इसके पीछे एक दूसरी कहानी 2006 और 7 से चल रही थी। आप याद करें, जो यूपीए का यूपीए वन का जो आखिरी दौर था और उसके बाद खास तौर से यूपीए टू, इस दौरान में एक बात लगातार कही जा रही थी, और यूपीए टू के दौरान तो ये बार बार तकरीबन एक तकिया कलाम हो गया था। मीडिया में जहां भी आप बात करें वहां पे आपको पॉलिसी पैरालिसिस की बात सुनाई देती थी। पॉलिसी पैरालिसिस क्या था? दरअसल 2006-07 में जो बड़े बड़े लैंड एक्विजिशन के खिलाफ मूवमेंट चल रहे थे, और जिसमें खास तौर से बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम में बड़े आंदोलनों के बाद दो तरह की चीजें हुई। एक तो ये कि जमीन अधिग्रहण पर रोक लगी, और 2013 में नया लैंड एक्विजिशन कानून बना था। 2006 से और 13 के दरमियान दरअसल मामला काफी हद तक रुका रहा। जो उस वक्त की यूपीए सरकार थी उसने एक तरीके से इस मामले को होल्ड पे रख दिया था। तो कॉरपोरेट सेक्टर जो पूरे 90 के और 2000 के दहाई के दौरान इस बात का आदि हो चुका था कि उन्हें जो चाहे वो मिल जाएगा, जिस जगह जमीन चाहेंगे उस जगह जमीन मिल जाएगी, जहां पे वो परमिशन एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहेंगे वहां मिल जाएगी, जिस तरह की चीज भी वो चाहेंगे, जिस तरह के कंसेशन भी चाहेंगे, वो तमाम चीजें सरकारें उन्हें मुहैया करेंगी, क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट के लिए कॉरपोरेट सेक्टर है, डेवलपमेंट के बिना रोजगार नहीं होगा। ये तमाम चीजें जो है ये उस जमाने में कॉरपोरेट सेक्टर की उन्हें तकरीबन ये लगता था कि उनका हक है। लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलनों के बाद उस पर एक रोक लगी, और उस रोक लगने के साथ साथ दो चीजें हुई। दरअसल एक चीज तो ये हुई कि मोदी साहब जो तब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने फौरन एक दांव खेला और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें रतन टाटा से उन्होंने सीधे सीधे ऑफर किया कि आप गुजरात आ जाएं, गुजरात में हम आपको जमीन फौरन दे देंगे। और गुजरात में उन्हें दो दिन के अंदर जमीन जो पहले से गुजरात सरकार ने हासिल करके रखी हुई थी कुछ और चीज में, तो गुजरात का जो मॉडल है वो उसमें दरअसल आज तक किसान जिनकी जमीन ले ली गई है वो कुछ बोलने की हालत में रहे नहीं। तो वो जमीन उन लोगों ने कुछ और चीजों के लिए लेके रखी हुई थी, लेकिन वो मोदी ने फौरन ऑफर की, और वहां से कॉरपोरेट सेक्टर के एक हिस्से का रुख मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी की गुजरात सरकार के खिलाफ बदला। 2002 में जब गुजरात में मैसेकर हो रहे थे, उस दौर में फिक्की में मोदी साहब एक बार गए और उनकी मौजूदगी में राहुल बजाज वगैरह वगैरह कई कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े लोगों ने गुजरात को लेकर उनकी काफी क्रिटिसिज्म की। मोदी वहां से लौट के आए, और लौट के जाने के बाद उन्होंने अपना एक
गुजरात इंडस्ट्रियलिस्ट काल की लॉबी खड़ी करने शुरू की। ये गौतम अडानी उसी की पैदाइश है। और अंबानी जो ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ झुकते थे उससे पहले, आहिस्ता आहिस्ता अंबानी भी उस तरफ हुए, तो ये गुजरात की एक कॉरपोरेट लॉबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोदी के साथ और मोदी के साथ खड़ी होने शुरू हुई। लेकिन ये 2006 और 7 का जो सिंगूर और नंदीग्राम वाला आंदोलन था, उसके बाद रतन टाटा को उनका ज़मीन ऑफर करना और उसके बाद ये कॉरपोरेट सेक्टर का एक हिस्सा जो है उसका मोदी की तरफ झुकना, एक और हिस्से का जो गुजराती नहीं था, रतन टाटा गुजराती नहीं थे और उनके साथ साथ एक दूसरा हिस्सा कॉरपोरेट सेक्टर का वो मोदी की तरफ, एक ये एक मजबूत नेता है जो रातों रात हमें ज़मीन भी दे देगा और रातों रात सारी क्लियरेंस भी दे देगा, और जहाँ बिल्कुल महीने दो महीने के अंदर कारखाने लगाने की हालत उन्होंने तैयार कर दी। तो जहाँ बंगाल में आंदोलन हो रहा था, उसके खिलाफ मामला जो है वो साल दर साल लटका हुआ था, वहाँ अचानक उन्हें लगा कि ये एक शख्स ऐसा है जो एक मजबूत लीडरशिप दे सकता है और कॉरपोरेट सेक्टर को ऐसे ही एक लीडर की ज़रूरत है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, इसमें कोई हिंदुत्व नहीं था, इसके पीछे कोरा कॉरपोरेट सेक्टर का अपना कैलकुलेशन था, उनकी अपनी उनके अपने हिसाब किस तरह से लगाए जाते हैं। 2009 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी हारी दोबारा से, 5 साल पावर से बाहर रहने के बाद भी, 2004 में एनडीए हारा, उसके बाद 5 साल यूपीए की सरकार रही जिसमें 3 साल लेफ्ट का भी उसमें सपोर्ट रहा और सोशल मूवमेंट्स का भी रहा। 2009 में इन सारी चीज़ों के 5 साल पावर में रहने के पावर से बाहर रहने के बावजूद, ऑपोजिशन में रहने के बावजूद भी बीजेपी एनडीए के या यूपीए 1 के खिलाफ जितनी जो सरकार में रहने पे जो जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई, और उसका फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाई कि दरअसल 2-3 चीज़ें उस दौरान हुई, कुछ नए कानून बने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, NREGA बना, और इन सारी चीज़ों से यूपीए के, अभी ये एक दिलचस्प पहलू है हमारे उस दौर की सियासत का जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, कि चूंकि लेफ्ट का और सोशल मूवमेंट्स का एक असर था यूपीए में, इसलिए ये तमाम कानून बन पाए जिसकी वजह से आम लोगों को कुछ कुछ रोजगार मिला NREGA के तहत। ये तो बाद में सभी ने इस बात को माना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कुछ चीज़ें मिली, राइट टू इंफॉर्मेशन ने तो पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी, उसके बाद का पूरा एंटी करप्शन मूवमेंट और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज भी कॉरपोरेट सेक्टर को नागवार गुजरी। एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर को जिन चीजों को अपना जो वो अपने अपना हक मानते थे वो उनको न मिलना, और दूसरी तरफ जिसे 30s-40s की यूरोपियन पॉलिटिक्स के जबान में कहा जाए तो सोशल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेटिक टाइप की जो रिफॉर्म्स हैं उसके जरिए कुछ रोजगार मुहैया होना, कुछ लोगों के और हुकूक उनको मिलना, ये चीज भी कॉरपोरेट सेक्टर को नागवार गुजरी। उसका नतीजा ये हुआ कि 2009 में हम लोग तो आज हम सोचते हैं एक इलेक्शन के बाद की, ये 2009 से ही इन्होंने 2014 की तैयारी शुरू की। तो 2009 में तब तक गुजरात का इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी, रतन टाटा के बाद एक और बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी, ये लोग तो साथ आ ही चुके थे। इस दौरान मोदी साहब को भी ये समझ में आने लगा था कि अब उनके लिए वो रास्ता प्राइम मिनिस्टरशिप का बन रहा है। एक ही उनके लिए रुकावट थी और वो रुकावट भी खुद बीजेपी के अंदर थी। बीजेपी के अंदर
अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह वगैरह, और आरएसएस की बैकिंग वाले जो पुराने लीडर थे, वो मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने देना नहीं चाहते थे। यहाँ जो एक कॉम्बिनेशन बना वो अपने आप में लाजवाब था। मोदी के लिए जो सपोर्ट बनी है वो आरएसएस के अंदर से नहीं बनी, वो 2002 के दंगों से पैदा हुआ ये जो गोरक्षकों का पूरा गुंडे लुच्चों की जो आर्मी है, ये उन लोगों की बदौलत मोदी को वो सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, जिसे बाद में आरएसएस को भी कबूल करना पड़ा। ना आरएसएस ना बीजेपी इसके लिए शुरू से तैयार थी, लेकिन मोदी के नाम से इस मुल्क का हर गुंडा शोहदा लुच्चा जो है वो हिंदुत्व के नाम पे मोबिलाइज होने को तैयार था, लड़ने को तैयार था। और इनके साथ कॉरपोरेट सेक्टर की बदौलत पूरे मीडिया का एक प्रोपोगेंडा मशीनरी में तब्दील हो जाना, मैंने आज तक अपनी जमे 1970 से के जमाने से इलेक्शन देख रहा हूँ और हिंदुस्तान की सियासत देख रहा हूँ, आज तक हमने कभी ये हालत नहीं देखी कि पूरा का पूरा मीडिया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे थे वहाँ बात हो रही थी कि इमरजेंसी में भी शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इमरजेंसी में क्या हुआ खबर नहीं मिलती थी आपको, लेकिन ये कि पूरी मीडिया गलत खबर फैब्रिकेटेड खबर बना के आपको सुबह से शाम तक 24 घंटा आपके कान में डाले, ये तो इमरजेंसी में भी नहीं होता था। ये चीज़ जो एक नई हम लोगों के सामने आई है 2013 में मोदी के कैंडिडेचर का फैसला होने से लेकर शुरू हुआ, वो आज तक चल रहा है। चैनल पे चैनल देख लीजिए, 80% चैनल तो आज अंबानी कंट्रोल करते हैं, और चैनल पे चैनल देख लीजिए सुबह से शाम तक वही एक झूठ चल रहा है। अब आजकल योगी आदित्यनाथ को कि ये भी एक कितने नर्म दिल इंसान है दिखाने की कोशिश हो रही है, वो आदमी जो न जाने क्या क्या बेहुदा भाषण दे चुका है, लेकिन आज वो भी हमारे सामने परोसा जा रहा है इस तरह से जैसे कि वो कि बहुत ही सॉफ्ट किस्म का की शख्सियत है। तो ये चीज जो है ये एक ऐसी सिचुएशन इसने बना दी कि हमारे पास अब कोई, तो अक्सर हमारे सामने एक अब ये एक नया वो शुरू हुआ है, मैं हम लोगों को ज़रूर अपने बारे में नुक्ताचीनी करते रहना चाहिए, अपने बारे में अपनी आलोचना खुद करने की हम लोगों में कुव्वत होनी चाहिए, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज जब हम ये कहते हैं कि नैरेटिव जो है वो पूरा इन लोगों का डोमिनेट कर रहा है, हम लोग कहीं भी उसको बदल नहीं पाए। तो आजकल मैं देखता हूँ जैसे 2000 इस बार के यूपी इलेक्शन के बाद तमाम तरह के अखबारी एनालिसिस में बार बार ये बात की जा रही है, सेक्युलर लोगों के पास या लेफ्टिस्टों के पास या भाजपा के खिलाफ जितने लोग हैं उनके खिलाफ कोई उनका नैरेटिव जो है वो बिक ही नहीं रहा है, वो तो लोग कबूल ही नहीं कर रहे हैं। अरे कबूल कहाँ करेंगे, वो सुनने में आएगा तब ना कबूल होगा। वो आप 24 घंटा सुबह से शाम तक एक ही चीज लगातार सुनाई दे रही है, कोई दूसरी किसी चीज की उसमें आने की गुंजाइश ही नहीं बनती है। मैं जानता हूं पता नहीं अभी मतलब इस पे हम लोगों की राय शायद अलग हो, लेकिन इस हद तक कॉरपोरेट सेक्टर इस मामले में दखल देता है और चीजों को तय करता है, इसकी एक मिसाल आम आदमी पार्टी ने जब 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, जिसमें मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त जो उन्होंने आपको याद होगा गैस प्राइसेस का मसला उठाया था केजरीवाल ने, कि गैस के दाम सरकार फिर बढ़ाने वाली थी और ये लगातार पिछले कई सालों से हो रहा था, जिस तरह से हमारे यहाँ पे अंबानी और टाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने पावर के दाम मनमाने ढंग से बढ़ाए, उन्होंने बढ़ाए सरकार ने मान लिए, ऐसे ही गैस के प्राइस का दाम को लेकर हो रहा था, और वो गैस के कुएं जो हैं वो किसके थे, वो अंबानियों के थे,
अंबानियों ने लिए थे, हैं तो सरकारी, वो है तो हिंदुस्तान के अवाम के, अगर अगर वो मिल्कियत किसी की है उस पर तो वो हमारी है। लेकिन ये जो अंबानी घराने और जो बड़े और सरमायादार घराने हैं, इन लोगों ने पूरी तरह से गैस प्राइस के ऊपर कब्जा कर रखा था और वो कई गुना बढ़ने जा रहा था। तो जब केजरीवाल ने वो उठाया, उसके बाद से पूरे मीडिया में, उससे पहले अक्सर केजरीवाल को अच्छा अच्छा अच्छी कवरेज मिल जाया करती थी, लेकिन उसके बाद से ये डायरेक्टिव गया। और मैं कई अपने जर्नलिस्ट दोस्तों के मुंह से सुन चुका हूं, जो लोग मीडिया में चैनलों में काम करते हैं, कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को कोई कवरेज मिलनी नहीं चाहिए, और अगर मिलती है तो वो नेगेटिव। 21 सेकंड, ये भी मतलब इंडिया टुडे के चैनल में कहा कि 21 सेकंड से ज़्यादा नहीं, आप कितनी भी उसकी फुटेज ले आइए, लेकिन 21, और वो 21 सेकंड भी जो है नेगेटिव होंगे, वो पॉजिटिव कवरेज नहीं होगी। तो कुल मिला के ये तो एक मिसाल है, लेकिन कोई भी ऐसी ताकत जो ऐसा लगे कि कहीं इनको चैलेंज कर सकती है, जिसमें एक तरफ सीधे सीधे कॉरपोरेट इंटरेस्ट जुड़े हैं और दूसरी तरफ हिंदुत्व का ये नया जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जुड़ा है, और इन दोनों का साथ आना, ये दरअसल वो सिचुएशन बना पाया जिससे 2014 का इलेक्शन मोदी और एनडीए ने जीता है। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि ये मामला सिर्फ हिंदुत्व से निपट जाएगा, तो ऐसा है नहीं। हमें दरअसल लगातार अपनी निगाह उधर भी रखने की ज़रूरत है कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है, इसके खेल क्या हैं, इनके क्या मंसूबे हैं, और ये किस तरफ अब कदम बढ़ा रहे हैं। अभी फिलहाल उनके सारे हित जो हैं, सारी चीज़ों के बावजूद, वो इस सरकार से बेहतर और कोई नहीं साध सकता। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो जिस नए लामबंदी की बात हम सोच रहे हैं, उसमें हम सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं, लेकिन जो अब जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, अभी इन हलकों में, अलग अलग हलकों में, मान लीजिए लेफ्ट के बीच में और जमात इस्लामी के बीच में, मुझे नहीं मालूम कि कभी कोई डायलॉग उस तरह का हुआ है नहीं, मतलब जो भी है अभी, आज तो खैर हिंदुस्तान में लेफ्ट कुछ बचा ही नहीं है, बराए नाम है जो है, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि एक नया उभरता हुआ, अभी उसको मतलब पार्टी की शक्ल तक नहीं कह सकते हैं, किसी मूवमेंट की शक्ल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक नई सेंसिबिलिटी है जो देखने को मिलती है, ख़ासतौर से ये JNU हैदराबाद, इस सब के बाद जो एक नई स्टूडेंट और यूथ लीडरशिप उभर के आई है, और जिससे हम लोग कुछ उम्मीद रखते हैं। ये इलेक्शन की बात नहीं है सिर्फ, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को सिर्फ 2019 के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को दरअसल अब सोचने की ज़रूरत है एक थोड़े और लॉन्गर टर्म में, क्योंकि 2019 में क्या होगा नहीं होगा वो इस मुकाम पर कुछ कहना मुझे नहीं लगता है कि मुमकिन भी है। सारा का सारा ओपोजिशन, सारी की सारी पार्टियां जो हैं वो धराशायी पड़ी हैं, किसी के सामने कोई रास्ता नहीं है, और उनकी लड़ने की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये सब खर्च कारतूस हैं जितनी पार्टियां हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। तो अब इनमें दोबारा बारूद भर के नहीं चलाया जा सकता। यदि मुझे लगता है कि अब हमें कुछ नई दिशाएं टटोलनी पड़ेंगी, और मेरी उम्मीद तो यही है कि ये जो गाहे बगाहे जो इधर उधर, मान लीजिए ऊना के बाद जो गुजरात में दलित आंदोलन शुरू हुआ, कुछ यूनिवर्सिटियों से जो नया यूथ मूवमेंट और स्टूडेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई, ऐसे जो नई किस्म के मूवमेंट सामने आ रहे हैं, बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह में हुआ, तमाम जगह पे गाहे बगाहे ये होता रहता है और वो ख़त्म नहीं होता है। दरअसल वो हमें लग सकता है कि वो एक मुकाम पे सामने आया और उसके बाद वापस
चला गया और कहीं खो गया, वो खोता नहीं है, उसकी चिंगारी सुलगती रहती है और कहीं ना कहीं उसके साथ एक संवाद बनाने की, उसके साथ एक डायलॉग बनाने की और उसको एक माला में पिरोने की, एक हार में पिरोने की ज़रूरत है। ये पुराने तरीके से अब हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी यूनिटी बनेगी, एक बहुत बड़ी पार्टी बनेगी या एक बहुत बड़ा कोई उस तरह की तंजीम होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है, जैसा कि दुनिया के कई और मुल्कों में हुआ, कि प्लेटफॉर्म नए बन जाते हैं जिसमें तमाम तरह के अलग अलग ख्याल के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग कुछ मुद्दों पे, कुछ सवालों पे, वो चाहे न्यूलिबरलिज्म से मुतल्लिक हों, वो चाहे हिंदुत्व से मुतल्लिक हों, इन तमाम सवालों के ऊपर एक नए किस्म की रियलाइनमेंट बनती है और वो इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सामने आती है। ऐसा स्पेन, ग्रीस वगैरह में भी हमने देखा, हाल को कितना कारगर होता है नहीं होता है हिंदुस्तान जैसे बड़ी जगह पे, ये अलग सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से हो सकती है और उसके लिए इस तरह के डायलॉग्स की, इस तरह के एक्सचेंजेस की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। यहीं शायद मैं एक बात आप लोगों से गुजारिश के तौर पे कहना चाहता हूँ, वो ये कि पिछले वक्त में कुछ मैंने, जैसे JNU का मसला हुआ, अब वहाँ पे एक नौजवान, एक स्टूडेंट नजीब एक वारदात के बाद लापता हो गया, उसको लेके बहुत मूवमेंट हुआ तमाम तरह का, वो यहाँ भी चलता रहा, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर, उनके अपने ज़िले में, तमाम जगह पे इसको लेके मूवमेंट हुआ। लेकिन कभी कभी ये सुनने में आया, मुझे नहीं मालूम मतलब आप कहाँ से आ रहा है ये, लेकिन चूंकि मौका है एक बात रखने का तो मैं रख रहा हूँ आपके सामने, क्या एक पूरा मूवमेंट इस बात पर बट गया कि कुछ हलकों से उसे सिर्फ एक मुस्लिम इशू बना देने का वो बन गया कि ये नजीब मुसलमान है और इसलिए जो कुछ हुआ वो उसके साथ हुआ इसलिए कि वो मुसलमान है, और दूसरी तरफ ये कि जो लेफ्ट के लोग, मैं लेफ्ट की कोई वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं मतलब उनकी हज़ार खामियां हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बिल्कुल सहमत होऊंगा अगर आप उनके बारे में वो क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन इस मसले पे उन्होंने न किया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इस इशू पे मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक यूनाइटेड आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद वो पूरा मूवमेंट ये इस तरह से डिवाइड हो गया। और एक मायने में मैं ये इसलिए भी आपसे कह रहा हूँ क्योंकि कई और मसलों पर फिर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि एक मूवमेंट शुरू होता है और शुरू में हम लोग सब साथ होते हैं और उसके बाद फिर अचानक कभी वो इस तरह के सवालों को लेके, कभी वो मान लीजिए कि अब JNU में इस वक्त सीट कटौतियों का मामला चल रहा है, UGC सर्कुलर वगैरह वगैरह को लेके बातचीत चल रही है और वहाँ पर भी एक किस्म से जो दलित और बैकवर्ड कास्ट स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, अचानक उनकी तरफ से होता है जैसे कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा स्टूडेंट यूनियन जिम्मेदार है या टीचर्स एसोसिएशन जिम्मेदार है। मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये दरअसल हमें उस लड़ाई में इकट्ठा होने में मदद करती हैं और कहीं ना कहीं हमें शायद इनको, इन सवालों को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि
चैलेंज बहुत ज़बरदस्त है और इस चैलेंज से मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कोई भी अपने बूते पे अलग से निपट पाएंगे। इसे हमें अपने अलग अलग लोगों के अलग अलग हलकों के बीच में जो डायलॉग है उसके ज़रिए ही उस अगर कहीं पर गलतफहमियाँ हैं, अगर कहीं पे मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करने के लिए ऐसी ही डायलॉग्स की ज़रूरत मुझे लगता है जहाँ पे हम सिर्फ आपस में बात न कर रहे हों बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे लोगों के बीच में बात कर सकें जो हमसे अलग राय रखते हों, जो हमसे हमारी राय से इत्तफाक न रखते हों, लेकिन जो दूसरी लड़ाई में, जो असली लड़ाई है, उस लड़ाई में हम लोग शायद सब साथ हैं। तो इसलिए मुझे जब नदीम भाई ने कहा यहाँ बोलने के लिए तो मैं इनसे यही पूछा पहले फ़ोन पर, मैंने कहा शायद आपको पता नहीं इस बात का इल्म है या नहीं कि मैं कुछ चीज़ों पे ऑलरेडी उलझ चुका हूँ कई लोगों के साथ, शायद मुनासिब न हो मेरा आना। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए ऐसा है कि हम लोगों की नाइत्तफाकी चलती रहेगी, मसले हम लोगों के बीच में चलते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग बातचीत करें। और मैं उसी बातचीत के स्पिरिट में आप लोगों के साथ जो चंद बातें मेरे जहन में थी वो रख के अपनी बात खत्म करता हूँ।